स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ रिस्फाना कुरैशी। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पीडीएफ को लेकर कांग्रेस के भीतर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कर चुके हैं पीडीएफ पर अब हाईकमान ही फैसला लेगा, लेकिन बावजूद इसके किशोर के दिल की बेचैनी कम नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब दिल्ली हाईकमान के पास पहुंचेगी, जहां किशोर उपाध्याय, राहुल गांधी और अंबिका सोनी से मिलकर पीडीएफ इस मुद्दे पर बात करेंगे। जिस हाईकमान ने जल्द फैसला ले सकता है, साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की सैलरी न मिलने का भी मुद्दा उठाया जाएगा। पीडीएफ और कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आने लगी है, मुद्दा गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसमें पीडीएफ और कांग्रेस में लगातार कलह मची हुई है। और अब ये बात दिल्ली तक पहुंचाने की बात की जा रही है कि मामला दिल्ली तक जाएगा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की जाएगी, वहां पर मामले का निपटारा किया जाएगा। तो कांग्रेस और पीडीएफ में लगातार कलह देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और